यहाँ रात के 10:45 बज रहे हैं और मेट्रो स्टेशन जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो चुका है। इक्का दुक्का लोग भी यहाँ नजर नहीं आ रहे मेरे अलावा। और ये हेलसिंकी का एक मेट्रो स्टेशन है और ये भी बहुत गहराई में है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मॉस्को जैसे शहर में जब मेट्रो स्टेशन के अंदर गया था तो वो बहुत ज्यादा गहराई में है और वहां पर हमेशा इस बात की आशंका को मद्देनजर रखकर वो बनाया गया कि कभी हमला हो तो ये छिपने की एक जगह हो सकती है, शरण लेने की जगह हो सकती है। तो जो यहाँ के जानकार हैं वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पे भी फिनलैंड में भी मेट्रो स्टेशन जो बनाया गया है वो इसी मद्देनजर बनाया गया है कि कभी ऐसी आशंका, और खासतौर पे फिनलैंड को रूस की तरफ से ही हमले की आशंका जो है सताती रहती है, सुरक्षा का जो खतरा है वो सताता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे मेट्रो स्टेशन को इतनी गहराई में बनाया गया है ताकि यहाँ पे भी खुदा न खास्ते कभी ऐसी सिचुएशन आई तो यहाँ पे शरण लिया जा सके। और एक अहम बात यह भी है कि फिनलैंड क्योंकि नेटो का सदस्य बना है जो कि रूस को पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे में जो खतरे की जो आशंका है वो फिनलैंड को ज्यादा बढ़ गई है। और नेटो ज्वाइन करने के पीछे जो उसका मकसद है वो ये भी रहा है ताकि वो अपनी सुरक्षा जो है सुनिश्चित कर सके और रूस उसकी तरफ आंख उठा के ना देखे। तो ये जो मेट्रो की गहराई है इससे बात शुरू हुई थी हमारी और ये वाकई में बहुत नीचे तक जाती है और स्केलेटर होने की वजह से लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन देखने में तो नजर आता ही है कि कितनी गहराई में मेट्रो स्टेशन को बनाया गया है।